हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून. गुड गुड आफ्टरनून सर. आफ्टरनून गाइस. आफ्टरनून गुड आफ्टरनून. सो गाइस, व्हाट इज गोइंग ऑन? कहां तक, क्या कहां तक हो गया अपने क्लास में? सर खत्म हो गया होमवर्क. होमवर्क यू हैव डन सर? लास्ट क्लास वी आर डूइंग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप एंड वी आल्सो सॉल्व एचसीवी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. ओके ओके ओके. और गाइस, मैंने कुछ वीडियो सेंड किया था, देखा ना उसमें? यस सर. यस सर. चलो ठीक है, फिर आगे का जो है विल प्रैक्टिस. सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन गाइस? सो व्हाट इज द नेक्स्ट? इसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट है वाला, रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट. The first, okay. Next is resonance column experiment. The students पूरे join नहीं हुए guys? पर actually 5 मिनट late छोड़ा पिछले lecture में. Yes sir. वो प्रीवियस लेक्चर सर ने लेट छोड़ा क्या? कितने बजे छोड़ा? तो 11:50 के आसपास था. ओह, अरे ऐसे भी टाइम अभी एक्सटेंड हो गया ना सबका? हाफ एन आवर सर, 2 घंटा हो गया. हाँ सर, सब लोग सकते हैं. 7:30 को उठे क्या? 7:30 को लेक्चर था? यस सर, वेरी अर्ली सर. आप जल्दी छोड़ दोगे क्या 10 मिनट? ठीक है. थैंक यू सर. तो रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, इसका एम जो है टू मेजर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. ओ गाइस, हाँ ये वाला भी एक्सपेरिमेंट मैंने भेजा था क्या, रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट? ओके ओके गाइस, हाँ. So, बताओ भाई कैसा. हाँ, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट? इसमें जो है एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जिसमें वाटर फिल्ड अप है. दिस विल बी डन इन योर लैब आल्सो. और इसमें जो ये वाटर फिल्ड अप सो इसमें जो, हाँ, वाटर का लेवल कैन बी चेंज्ड. यहाँ पर साइड में एक वो रखते हैं इसी के पैरेलल में, जिससे वाटर का लेवल जो है इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. एक पाइप, सेम लिक्विड इन कनेक्शन. ठीक है, तो फिर अब लेवल दोनों का, दोनों साइड का सेम. सो स्टार्टिंग में जो है क्या हुआ, कंप्लीटली फिल्ड. फिर उसके लेवल को जो है क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे. सो ट्यूनिंग फॉक से यहाँ वाइप ये करा रहे हैं ऑसिलेशंस. तो इसमें जो है दिस इज द टॉप एंड, और ये टॉप और ये बॉटम एंड. बॉटम एंड पे प्रेशर का क्या होगा गाइस? वहां पर बॉटम एंड क्लोज्ड एंड प्रेशर ज्यादा होगा सर. रोजी एच नो 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 आई मीन वेव्स के, वेव्स में जो है मैक्सिमम होगा. यस, यहाँ पे उसका एंटी नोड आ जाता है. और फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन तो, और ये ओपन एंड पे क्या हो जाता है, एक्सेस प्रेशर जीरो. अब एग्जैक्टली यहाँ थोड़ा सा नहीं होता, एग्जैक्टली माउथ पे नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर जाता है. देर इज अ एंड करेक्शन दैट इज कॉल्ड एज ई एंड करेक्शन. तो एग्जैक्ट माउथ पे नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर जाके होता है. ठीक है, सो ठीक है, लैब में ऐसा ऑब्टेन है. एग्जैक्ट माउथ पे नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाके ऑब्टेन होता है. अब जो है आपका एम क्या होता है, पहला ये रीडिंग लेना. दिस इज द फर्स्ट रीडिंग यू हैव टू टेक. से यू हैव टेकन द फर्स्ट रीडिंग L1. सो ठीक है, अब जो है क्या इक्वेशन आ जाएगा गाइस यहां, L1 और E और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा? L1 plus E is equal to lambda by 4. L1 yes, plus sir. E is lambda by 4. ओके, सो L1 plus E. Sir, E is the distance between the tuning fork and the mouth.
ये जो है एग्जैक्ट हाँ मत थोड़ा सा जो है थोड़ा सा एरर आ जाता है डेटा ऑब्टेन किया गया उसको कोरिलेट किया गया तो इस रेंज का आता है 0.6 टाइम्स द रेडियस ऑफ द पाइप या 0.3 टाइम्स द डाया ऑफ द पाइप इतना ये जो है कांस्टेंट वैल्यू है क्या Yes, हाँ, ये जो obtain किया गया after the experiment obtain करने के बाद data का correlation लिया गया तो they found this to be this value. Sir, tuning fork node पे रखा होगा ना मतलब जहाँ node है. हाँ, exactly, हाँ, mouth के थोड़ा सा ऊपर रहता है. So, apparatus आप फिर से explain करेंगे कि ये fluid क्या भर रहा है ये. Oh, देखो यहाँ पर we have two things. एक तो ये cylindrical, हाँ, ये cylindrical में क्या होता है यहाँ पे liquid, ये पूरा liquid पहले भरा हुआ है. और साइड ये पूरा कनेक्शन में साइड में एक पाइप और पाइप में यहाँ तक तो भाई दोनों साइड का लेवल हमेशा सेम रहेगा yes. तो इस साइड का यूज ये है कि इसको कम नीचे करके या ऊपर करके जो है यहाँ का लिक्विड का लेवल हम बढ़ा सकते हैं yes, तो भाई ठीक है अब हम क्या करेंगे जब ये लिक्विड फुली फिल्ड और उसको धीरे धीरे नीचे उतारते जाएंगे और ट्यूनिंग फॉर्क से बीच में वाइब्रेट करते जाएंगे और ढूंढेंगे क्या रेजोनेंस लेंथ तो जैसे ही फर्स्ट रेजोनेंस का लेंथ मिल जाएगा हमें रुक जाना है तो रेजोनेंस का लेंथ मिला रुक गए साउंड की इंटेंसिटी जब बहुत ज्यादा सुनाई देगी तब तो उस समय जो है क्या हो जाएगा हम लिख सकते हैं L1 plus E is equal to lambda by 4 रेजोनेंस लेंथ मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली ओ रेजोनेंस का मतलब है क्या होगा देखो ट्यूनिंग फॉर की फ्रीक्वेंसी और जो यहाँ एयर की फ्रीक्वेंसी है मैच हो जाएगी तो आपको साउंड काफी ज्यादा सुनाई देगा अच्छा सर वैसे तो अब जो है फिर क्या करेंगे फिर आपको बोला जाता है इस प्रोसीजर में कि और पानी का लेवल नीचे करो तो और पानी का लेवल आप नीचे करोगे तो इसमें जो है यू विल ऑब्टेन द सेकंड रेजोनेंस लेंथ तो लैब में आपको फिर सेकंड वो लोग बोलेंगे सेकंड वाला ऑब्टेन करके बताओ तो सेकंड वाला ऑब्टेन करना होगा आपको पानी का लेवल और नीचे कर दिया So, ठीक है सेकेंड ऑप्टेन यहाँ ऑप्टेन हो गया मान लो ठीक है सेकेंड ये वाला लेंथ यहाँ ऑप्टेन हो गया सो अब जो है अगेन थोड़ा सा ये यहाँ पर जो है क्लोज्ड एंड एंटी नोड और जो है ये वाला यहाँ पे नेक्स्ट हायर मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या हो जाएगा ये ऐसा आ जाएगा अगेन नोड थोड़ा सा ऊपर जाके मिलता है So, ये हो गया आपका यहाँ ऐसा सो दिस इज द एंड करेक्शन ई सर इसमें भी ई का वैल्यू सेम ही रहा ना ई यस 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 सो एंड करेक्शन जो इतना मिल जाता है और आपको बोला जाता है कि भाई ठीक है ये ढूंढो सो एल टू ढूंढते हो फिर वही सेम ट्यूनिंग फॉर्क हाँ गई सेम ट्यूनिंग फॉर्क से किया फिर सेम ट्यूनिंग फॉर्क में क्या हो रहा है अब फ्रीक्वेंसी जो है ये हो गया अब जो है गाइस क्या होगा इसका अब इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर L1 plus E 3 by 2 plus E is 3 lambda by 4 3 lambda by 4 so you have the two data L2 plus E 3 lambda by 4 L1 plus E lambda by 4 तो इससे जो है आप क्या ऑब्टेन करोगे L2 minus भाई सबट्रैक्ट कर दो इसको E हट जाएगा L2 minus L1 और ये कितना मिल जाएगा लैम्डा बाई टू लैम्डा इज इक्वल टू टू टाइम्स एल टू माइनस एल वन बस ये आ गया तो फिर वेलोसिटी यस सर एक मिनट हाँ वेलोसिटी ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क और ये जो आ गया भैया आपका एल टू माइनस एल वन सर ये दूसरा हार्मोनिक नहीं हो सकता क्या जिससे कि लैम्डा डैश हो जाएगा ओ नहीं ट्यूनिंग फॉर्क सेम ट्यूनिंग फॉर्क है ओ ओके सर ओके सेम ट्यूनिंग फॉर्क यस सर रेजोनेंस तभी होगा ना जब वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जैसा केस होगा हाँ मतलब बेसिकली दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जानी चाहिए
तो वही वाले केस पे होगा ना, जब लैम्डा ऑड मल्टीपल ऑफ, हाँ एक वही हो गया, एक एंड क्लोज्ड और दूसरा एंड ओपन वाला केस, करेक्ट, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का सर। ओके सर, लाइक रेजोनेंस लेंथ आ गया हुआ हमें केस, मतलब जैसे अगर L1 plus E is equal to lambda by 4 से थोड़ा और नीचे गए तो फिर से आवाज कम हो जाएगा, मतलब सर मैक्सिमम आएगा वहां पे ही हम लोग, यस जहां पे फ्रीक्वेंसी मैच होगी वहीं पे ही साउंड बहुत ज्यादा सुनाई देने लगेगा, करेक्ट। दिस इज ड्यू टू दैट रेजोनेंस इफेक्ट ना जो हमने SHM में किया है, यस हां फ्रीक्वेंसी मैच होना वही। और इससे जो है गाइस ई की भी वैल्यू जो है, यार ई की वैल्यू निकालो, ये जो ई की वैल्यू एल वन एल टू के टर्म्स में निकालो, हेलो सर, यस हाँ सर, इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन व्हाई द नोड इज कमिंग ई डिस्टेंस अबव द माउथ, मतलब एग्जैक्ट जो है, मतलब वो तो एक्सपेरिमेंटल का हो जाता है कि वो करते वक्त जो है, मतलब ट्यूनिंग फॉर को वाइब्रेट करते वक्त उतना थोड़ा सा ऊपर रखते हैं ऐसा, उसके लिए जो है हमेशा ऐसा वैल्यू आ जाता है, तो ऐसा कुछ वो रीजन नहीं है उसके लिए। हाँ बट सही, तो ह्यूमन एरर है तो ये वेरी नहीं करेगा क्या, ये इसका कांस्टेंट वैल्यू क्यों आता है, वो इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट क्यों आती है, क्योंकि अलग अलग पाइप्स के लिए जो वैल्यू ऑब्टेंड है वो अलग अलग है, रेडियस टाइम्स रेडियस का है सर, E की वैल्यू आ रही है L2 माइनस 3 L1 बाय 2, एक मिनट, E की वैल्यू जो है L2 माइनस 3 L1 बाय 2, ओके और इसमें एरर वाला भी क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, फिर आपको जो है परसेंटेज एरर या फ्रैक्शन एरर निकालना है तो क्या करोगे, डेल्टा FT बाय FT प्लस टू टाइम्स, नहीं टू तो क्या है ना, टू क्या है ना? फिर क्या हो जाएगा इसी वाला, डेल्टा ऑफ एल टू माइनस एल वन बाई डेल्टा, ना क्या करना उसको, डेल्टा, सो डेल्टा इन अपॉन एल टू माइनस एल वन, यस सर। फिर गाइस एचसीवी पेज 340 में can just show the previous page. Okay, okay. एक और एक्सपेरिमेंट है वो भी डिस्कस करना है, आपने पेज नंबर क्या बोला, पेज 340, पेज 340 में नेक्स्ट गाइस, हाँ पुल्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट ये भी करना है, सर वन मिनट सर, सेकंड पेज, अगला पेज, हाँ थैंक यू सर। डेल्टा वी वाला एक बार एक्सप्लेन करेंगे, नहीं समझा, ओ डेल्टा वी वाला जैसे एरर्स में आप पढ़ते थे velocity of the sound, कैसे इसमें error निकालना है, तो fractional error वो ही जाएगा, delta V by P. Oh, okay, sir.
यस गाइस वाला रीड पेज 340 में रीड करना है. गैस उसका मैंने भेजा था क्या, कौन ट्यूब का नहीं भेजा था क्या, पाउडर्स वाला इसका वीडियो कौन ट्यूब का नहीं भेजा था क्या? नो नहीं सर इसका नहीं भेजा. आपने रेजोनेंस इन पाइप्स का भेजा था. ओके ओके वन मिनट. हां प्लीज सर रेजोनेंस कॉलम वाले का भी भेजा था जिसमें वेरी करते हैं. ओके ये वाला नहीं भेजा. एक मिनट. हां गाइस प्लीज रीड टिल ये वाला. आई विल जस्ट सेंड वन मिनट. सर चीज पूछनी थी. हेलो सर. यस गाइस. हां यस हर्षल सर सी एचसीवी की फर्स्ट आपने जो रीड करने को बोला उसके फर्स्ट लाइन में लिखा है कि जो अभी हमने जो किया इससे हम स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं. ऐसे ही होता है कि कुछ अलग मेथड होता है सर? नहीं अभी जो रेजोनेंस कॉलम मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो जो एक्सपोज्ड यहां पे गैस है वो वाला गैस तो एयर है. दिस वाज एयर हियर. स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर है ना. अभी जो है इस मेथड से हमें स्पीड ऑफ द साउंड इन गैस निकालना है. ओके सर. सो गाइस इसका हु कैन एक्सप्लेन दिस वन. Yes guys, हाँ इसका बताओ. Who can explain this method? सर इस एक्सपेरिमेंट और पिछले एक्सपेरिमेंट बस अपैरेटस में चेंजेस आए ना, बिकॉज़ मेथड तो सेम ही है ना इसमें. हाँ मतलब इसमें भी जैसे वो है ना, जैसे एक वीडियो भी मैंने भेजा है अभी ग्रुप पे, यू कैन सी. So yes guys, huh? Who can explain this experiment?
So metal rod is welded exactly at the middle point. The length of the tube can be varied by moving by the movable piston. Some powder is sprinkled inside the tube. So this some powder is here. Yes guys, हाँ बताओ फिर क्या होता है इसमें? सर वो रॉड को रब करके फ्रीक्वेंसी या साउंड आ जाता है ना? यस सर, रॉड को यहाँ रब कर रहे हैं तो रॉड जो है साउंड जो है रॉड इज रब्ड इलेक्ट्रॉनिकली और वही जो है क्या होता है गैस गैस में जो है वाइब्रेशन यूज करता है और नीचे जो है क्या हो जाता है उसमें जो है स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म इन द गैस. तो स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म इन द गैस फिर क्या? हाँ फिर क्या ऑब्जर्वेशन है बताओ? वीडियो देखा ना उसने? Sir, I have one doubt in one line. Huh? Sir, they're saying if length of the gas column is such that one of its resonant frequency is equal to frequency of longitudinal vibration of rod. So can you explain this line once? So if the length of the gas column is such that one of its resonant frequencies is equal to the frequency of the longitudinal vibrations of the rod, standing waves are formed in the gas. Oh, मतलब इसकी और जो है, भाई रॉड में जो आपने जो vibrations induce किया और वो और ये अंदर की फ्रीक्वेंसी जो है जैसे सेम है वहां पर तभी तो वहां रिजोनेंस आएगा. ओके सर, गॉट इट सर. और अंदर जो गैस जो है वहां पर बना, हाँ तो उसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं वहां पर जहां जहां नोड है डिस्प्लेसमेंट वाले नोड फ्लाई आउट. हाँ तो एंटी नोड वाले भाग जाते हैं और नोड वाले पार्टिकल्स वहां रहते हैं. तो सर ट्रांसवर्स बनेगा कि लॉन्गिट्यूडनल बनेगा अंदर? लॉन्गिट्यूडनल ना, अरे इसमें दिया है ना रॉड जो है लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस. ओके सर, ओके सर. सर जहां पर मेटल रॉड और वो फिक्स्ड डिस्क है सर वहां पर नोड आएगा ना? मेटल रॉड और फिक्स्ड डिस्क है. ओ रॉड के लिए यू आर टॉकिंग क्या? रॉड के लिए यस सर. वहां पर वो एरिया में नोड आएगा राइट, क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता. या मेटल रॉड और ये वाला जो है इट इज फिक्स्ड. ओके यहां पर ओके हां जो फिक्स्ड एंड है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नोड हो जाएगा. हमें तो पाउडर के में देखना है ना गैस का, गैस में कैसे बताया सर? यस वहीं पर, क्योंकि सर डिस्क फिक्स्ड है तो उसके बाजू वाले जो पाउडर है वो हिल नहीं पाएंगे राइट. यस तो यहाँ पर जो ऑब्जर्व होता है जो जो पार्टिकल्स नोड के हैं वो पाउडर रह जाते हैं, बाकी सब पाउडर क्या हो रहे हैं उड़ रहे हैं ना वहां पर. तो ये जो यहाँ पर नोड वाले पार्टिकल्स के पाउडर रह जाते हैं और बाकी उड़ जाते हैं. तो नोड वाले रह गए और बाकी पाउडर उड़ गए वहां पर. तो इससे क्या हो जाएगा, हम दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं. तो अगर कि मान लो कुछ 10-15 नोड्स का हमने टोटल लेंथ निकाल लिया और डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द नोड्स कर जो भी है नंबर ऑफ कर लिया तो एक नोड दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस वी कैन फाइंड गाइस. यहाँ पर जैसे तीन नोड्स लोगे, मान लो तीन नोड्स लोगे तो दो से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? दो कंसेक्यूटिव नोट्स के बीच का डिस्टेंस. चार नोट्स लोगे तो तीन से डिवाइड करोगे तो किसी चार नोट का मतलब यहां से यहां तक का ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लिया. और जो है थ्री से डिवाइड करोगे तो दो कंसेक्यूटिव नोट्स के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा. वो तो ठीक है, वो तो लैब मैनुअल में जैसा भी सजेस्टेड रहेगा. फिर उसके बाद क्या करेंगे? पाउडर वाले पार्ट से समझा नहीं एग्जैक्ट हो क्या रहा है सर, आप वापस समझा सकते हैं? नहीं समझ. ओके हैव यू सीन द वीडियो जस्ट मैंने जो अभी जो भेजा है? अच्छा नो सर. नो सर. यस सर. एक बार ग्रुप में वो वॉइस ज्यादा मतलब मैं शेयर करता हूं वॉइस, उसमें बहुत ज्यादा साउंड जैसा आता है.
Sir, is it audible? It's not, no, not audible, but chalega, haan. Chalega, sound, rehndo, rehndo. Bahut jyada sound aata hai, haan, good. Achha, audible nahi hai. Yes, please let it go on. Shall I stop sharing? No. Okay, pura, let it complete, haan, please complete. सो गाइस देखो नोट्स मिलते जा रहे हैं यहाँ पर नोट्स वाले पार्टिकल देखो बीच के उड़ते जा रहे हैं और जो है तो इससे हमें पता चल रहा है एंटी नोट्स होंगे ना हाँ एंटी नोट्स होंगे अरे हाँ मतलब जहाँ के पार्टिकल्स रहेंगे हाँ जहाँ पार्टिकल्स रहेगा वो एंटी नोट्स हो जाएंगे और सर उल्टा होगा ना क्योंकि जहाँ पर एयर है सर वहाँ पर मतलब की कंप्रेशन होगा ना जैसे अगर कि मतलब वहां पर वो पाउडर नहीं होगा ना पार्टिकल का जैसे डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है ना तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है मतलब वहां पे क्या होंगे डिस्प्लेसमेंट के क्या होंगे पार्टिकल वहीं के वहीं है मतलब वहां पर पार्टिकल्स सब पार्टिकल्स वहां बाकी के पार्टिकल्स यहां आ गए ना पहले देखा कैसा था पहला जो है पहले तो स्प्रेडिंग सबकी जगह यूनिफॉर्म था अब जगह क्या हो गया कुछ जगह पूरा मतलब स्प्रेडिंग यूनिफॉर्म था कुछ जगह खाली हो गया मतलब इस जगह पे पार्टिकल्स ज्यादा आ गए राइट उस जगह पार्टिकल आ गए मतलब उस जगह बाकी सबके पार्टिकल्स यही आ गए ना ऐसे तो वहां क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट का नोड हो गया ना ओके सो गॉट इट डिस्प्लेसमेंट का नोड हो गया एंटी नोड्स के पार्टिकल उड़ रहे हैं ना नहीं बाकी जगह के पार्टिकल सब हाँ यहाँ आ गए राइट सर तो मतलब प्रेशर का एंटी नोड होगा ना प्रेशर वाले ग्राफ का हाँ तो डिस्प्लेसमेंट का नोड है ना कंफ्यूज हो गया अरे जहाँ के पार्टिकल्स हैं वहाँ पार्टिकल्स पूरे ये हो गए ना पूरे पार्टिकल्स वहां पर एकदम ये हो गए तो डिस्प्लेसमेंट का नोड और प्रेशर का एंटी नोड हो गया ओके सर तो ऐसे हम जो है ऐसे से ऐसे करके हम जो है किसी भी दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना यस सर चलो अब दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस निकल गया तो फिर कैसे करोगे सर हां वो जो पाउडर जब ऐसे फॉर्म होगा एक जगह वहां पे नोड रहेगा ना साउंड इन गैस वेलोसिटी ऑफ द साउंड हाँ तो ये जो है क्या हो जाएगा लैम्डा बाई टू लैम्डा गैस बाई टू इज एल जी तो लैम्डा इज इक्वल टू टू टाइम्स एल जी हाँ एल जी मतलब जो है दो नोट्स के बीच का डिस्टेंस एल जी एन बोल देते हैं चलो LNG तो लैम्डा बाय 2 कैसे वो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस अरे ये होगा ना दो नोड्स ओके सर ओके सर गॉट इट यस सर गॉट इट तो ये हो गया लैम्डा जी बाय 2 इज LGN जो आपने निकाला तो लैम्डा बराबर कितना आ गया फ्रीक्वेंसी इनटू 2LG और नोड्स के दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस इन द गैस फिर आप गैस को रिमूव करोगे एयर से एक्सपेरिमेंट रिपीट करोगे तो एयर से जब रिपीट करोगे तो यही वाला आ जाएगा ना वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर बराबर एफ इनटू लैम्डा एफ तो वही है बस आपने गैस चेंज कर दिया एयर कर दिया तो ये क्या आ जाएगा टू टाइम्स अब एयर के लिए अलग लेंथ आएगा ना अलग लेंथ आएगा वो आपको निकालना पड़ेगा फिर ये यू हैव दिस टू डेटा दोनों को डिवाइड कर दो वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन गैस वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर फ्रीक्वेंसी हट गया तो वेलोसिटी ये जो लेंथ आपने निकाला है ये गैस का और एयर के नोड्स के बीच का डिस्टेंस का ये आ गया और उसके जस्ट पहले अभी एक्सपेरिमेंट में आपने वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर निकाला था ना तो उसको यूज कर लेंगे इससे वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन गैस आ जाएगा यस यस हां प्लीज टेल तो जहां पे पाउडर एकदम एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया है वो प्रेशर एंटी नोड है ना एंड डिस्प्लेसमेंट का तो नोड होगा ना हाँ ओके सर क्योंकि लॉन्जिट्यूड ना दे रहा ओके सर चलो हाँ सो जो है सर आपने लैम्डा जी बाय टू को किस चीज से इक्वेट किया है एलजी क्या है ओ नहीं जैसे मान लो ये वाली डिस्टेंस ये आपने मेजर करी और इसको बोल दिया एलजीएन हाँ
तो अच्छा ओके ओके वो जो जाएगा दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस तो लैम्डा बाय 2 होगा. ओके सर सर एक डाउट था. हाँ सर ये मतलब मेटल रॉड को लाइक वो मिड पॉइंट पे पिवट करेगा मतलब वो समझा नहीं मैं क्लैम पे. ओह वहाँ का रीजन क्या है यू आर सेइंग क्या वहाँ पे क्यों. हाँ यस वो एक्सपेरिमेंट का एक बार मैनुअल देखना होगा यार उसको वहाँ पे ही क्यों किया है. ओके जैसे जय ऐसा सोच रहा था कि मैं जो है जैसे फिर सिमेट्रिक होना चाहिए मतलब अगर कि मान लो कोई दूसरा अलग पॉइंट सेलेक्ट करते हैं है ना तो दूसरा अलग पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो जो है कहीं आर्बिट्री पॉइंट करेंगे तो एक साइड का रॉड का लेंथ और दूसरा साइड का रॉड का लेंथ तो ठीक है अलग हो जाता है. तो मिड पॉइंट व्हाई नॉट एंड पॉइंट इज योर क्वेश्चन क्या. ओके सो लाइक वी कैन लाइक क्लैंप इट एनीवेयर राइट. मिड पॉइंट जैसे अदर देन मिड पॉइंट एल बाई थ्री वगैरह जो है फिर क्या होगा मैच जैसे इसमें भी जो वेव सेटअप होंगे फिर वो जस्ट सिमेट्रिक है तो अगर मान लो से दिस इज जस्ट आई वाज थिंकिंग आई एम नॉट श्योर जैसे अगर कि मान लो एल बाई थ्री पे यहाँ पे किया तो जैसे इस साइड का लॉन्गिटुडिनल वाइब्रेशन है वैसे इस साइड का होना चाहिए वो मैच होना पड़ेगा ना फ्रीक्वेंसी को तो जैसे फ्रीक्वेंसी जो है इस साइड का मतलब अगर दूसरे अगर किसी पॉइंट पे कर रहे हैं तो मैच होना पड़ेगा कुछ प्रेशर लगाएगी और बाहर का भी पीएटीएम होगा वो तो जो ऐसा रहता है ना लॉन्गिटुडिनल वाइब्रेशंस के लिए एक क्लैंप जैसा चीज आता है और वो जो है क्या होता है ऐसा आगे पीछे डिस्प्लेस होता है तो वो इसमें इंड्यूस करता है ना ऑसिलेशंस. जय लेकिन इसके बाद हाँ इसका लैब में और देखना पड़ेगा कि व्हाई दे आर क्लैंपिंग इन द मिडल. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस सर. एचजीवी में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिकली उस मूवेबल पिस्टन को हम लोग मूव करवा रहे हैं बट सर जो आपने वीडियो भेजा था उसमें तो मतलब एक साउंड प्ले किया जा रहा है वहां पर वो साउंड के वजह से अलग अलग इलेक्ट्रॉनिकली वाइब्रेशंस प्ले कर रहे हैं और वो लेंथ को मूव करके वो लाइक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए कर रहे हैं लाइक वो लेंथ वैसे हो जाए सर. तो मतलब दोनों से इफेक्ट सेम ही आएगा क्या. सेम आ रहा है सर. हां वहां पे तो ये वाला मुझे मिला नहीं यार रॉड का वाइब्रेशंस वाला आई वाज ट्राइंग वीडियो मिला नहीं था. डाउट ये पाउडर वाइब्रेट क्यों कर रहा है पर लाइक मतलब हम लोग बाहर से कर रहे हैं तो साउंड की वजह से कर रहे हैं क्या हो रहा है सर. पाउडर वाइब्रेट होने की रीजन है कि वो साउंड वो ये दोनों पिस्टन के बीच में पुश हो जाता है तो उसके कारण पाउडर पे प्रेशर पड़ता है पाउडर वाइब्रेट हो रही है. नहीं आई गेस पाउडर इसलिए क्योंकि पाउडर में एक तो लाइट है तो विजुअली अपन उसको देख सकते हैं इसलिए शायद उन्होंने पाउडर यूज किया हो. नहीं वो क्या वो पिस्टन है तो सर वो साउंड जो है उससे बैक पुश बैक हो जाएगा ना उससे वो. ये तो सोर्स है यहाँ पे तो ये सोर्स है ये इंड्यूस कर रहा है इसमें लॉन्गिटुडिनल वाइब्रेशंस. हाँ. वो डिस्क तक आ रही है फिर डिस्क क्या कर रहा है इनफैक्ट गैस में यहाँ पे इंड्यूस कर रहा है और फिर फाइनली यहाँ पर इस रीजन में स्टैंडिंग वेव सेटअप हो रहा है. जैसे वॉल कैसा होता है वैसा बोल सकते हैं ना पिस्टन. हाँ पिस्टन यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट उसको जो है एक पर्टिकुलर पोजीशन में फिक्स रखेंगे. हाँ तो इससे साउंड वो ऊपर नीचे वेव्स जो आ रहे हैं वही रीजन.
उसके थ्रू भी पास हो रहे, दूसरे भी हो सकते हैं। यस हाँ, मीडियम के थ्रू जाएगा, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगा तो भाई फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी। ओके थैंक यू। सर E का वैल्यू नहीं आ रहा। E की वैल्यू चाहिए क्या? हाँ सर, मतलब मेरे को रॉन्ग आ रहा है। कैसे? मुझे भी रॉन्ग। सीधा L2 minus 3 L1 by 2 ही यूज़ करना है उसमें। वो मैच में करा फुल। सर मैच हो रहा है क्या गाइस? देखो। यस सर हो रहा है। कोई ऐसे मैच हो रहा है? यस सर हो रहा है। फिर ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट क्या 43rd क्या है? देखो 43rd सर। हाँ सर, एक मिनट, फर्स्ट पेज पे जा सकते हैं, उस पे एक डाउट है। फर्स्ट पेज ओके सर, यहाँ पे L2 और L1 के बीच में कोई भी आर्बिट्ररी पोजीशन पर वो जो उसका माउथ है ना, वहाँ हाँ। पे प्रेशर का एंटी नोड होगा या कौन सा पोजीशन होगा प्रेशर की वेव का? ओ नहीं, उसके बीच में तो कोई रेजोनेंस अकर ही नहीं होगा, ये तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव वाला है ना, फंडामेंटल के बाद सर। पर सर, पर है तो वो फिक्स्ड ना, तो उसका एंटी नोड ही नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, वाइब्रेशंस अगर देखोगे तो जो है मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ तो हो, मतलब वो ही मैच ही नहीं हो पाएगा ना, कैसे होगा? तो कंसेक्यूटिव जो है फंडामेंटल के बाद तो फर्स्ट ओवरटोन यहां पे आता है, तो बीच में कैसे अपन किसी अलग के लिए कुछ नॉर्मल अलग होगा बोल ही सकते हैं उसको? नहीं सर, सर कोई भी आर्बिट्ररी पोजीशन पर जो माउथ है ना, वहां पर प्रेशर का कोई मतलब उसका एंटी नोड होगा या नहीं होगा प्रेशर की वेव का माउथ पर? माउथ पे प्रेशर के वेव का नहीं, थोड़ा सा अपन क्या है, जो वेव्स तो थोड़े पीछे से आप उसको ये करते हो है ना, तो वेव जा रही है और वापस भी आ रही है, तो माउथ वाला रीजन तो एटमॉस्फेयर से ये हो गया, तो वहां पर प्रेशर का ये क्यों? सॉरी सर, माउथ नहीं, ये लिक्विड का जो अपर सरफेस है ना उसकी बात करो। सॉरी सर। यस यस, लिक्विड के अपर सरफेस पे। हाँ हाँ, वहां पे कोई भी आर्बिट्ररी पोजिशन पर प्रेशर का एंटी नोड नहीं होगा। ओ, मतलब जैसा, हाँ जैसा वेव आ रहा है वैसे ही रिफ्लेक्ट होगा। हाँ तो कंस्ट्रक्टिव मतलब होगा, लेकिन एंटी नोड के लिए तो हम जो है जब बोलेंगे जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वैल्यू तो ज्यादा आएगी, लेकिन एंटी नोड वगैरह तो इसके लिए अपन डिफाइन करेंगे ना, जब ये इस टाइप के प्रॉपर लूप्स बन रहे हो। राइट ओके सर।
41 सबका आया ना हर्षल? यस सर। ओके 41 हो गया सर, 43 कर रहा हूं। ओके सर 43 में n लैम्डा बाय 4 लेंगे फिर n लैम्डा बाय 2? 43 में क्या इसमें इट इज रॉड इज क्लैम्प्ड एट इट्स मिडिल, तो जो है 43 के लिए रॉड इज क्लैम्प्ड एट मतलब यहां पे जो है डिस्प्लेसमेंट का नोड ले लेते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट का नोड। ओके इस रॉड में जो है longitudinal waves are set up, okay, longitudinal waves, okay, हाँ तो ये free end जो है, okay, longitudinal waves are set up, तो इस type का जो भी होगा waves, वही ठीक है, free end तो antinode, ना, इस type का जो आएगा, so इसमें कैसे करेंगे यार यहाँ पर जो है, sir can you wait for 1 minute? Yes, yes, sir. सर 43rd जो है वो जो कन कट जो हम लोग एक्सपेरिमेंट किया था उससे डिफरेंट है ना सर, बिकॉज उसमें भी एक रॉड के मिड पॉइंट पे क्लैंप किया था। यस रॉड के मिड पॉइंट पे क्लैंप किया था फिर वो अल्टीमेटली वहां पे डिस्क सेट आया था, यहाँ पे तो यार ये था कि सर यहाँ पे बस एक रैंडम कॉपर रॉड है जिसको बस इसके मिड पॉइंट पे क्लैंप किया ना ऑफिसर। yes, उसमें स्पीड पूछ रहे। ओके सर सर समझ गया, 2n+1 लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। एक मिनट, आई विल ऑल्सो ट्राई दिस वन। एक मिनट लेकिन सर इसमें कौन सा केस लेंगे, ओपन ऑर्गन पाइप का? ओपन ऑर्गन पाइप का लेंगे ना केस? एक मैं भी ट्राई करता हूँ, रुक जाओ मेरे को देख ले दो। हाँ ऐसे सुनो, भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ। इसमें जो है Yes, Hari, कैसे किया? Harshal, how you done? Sir, L equal to 2n+1 lambda by 2 आएगा, L equal to 1 है सर, तो फिर lambda equals to 2 by 2n+1 और फिर n के अलग अलग values डाल के चेक कर। ओके ओके इसको जो है lambda by 2, हाँ ठीक है एक मिनट, हाँ lambda 2n+1 आ रहा है। ओके ठीक है, हाँ 2n-1 ले लें, 2n+1 lambda by 2 is L, ठीक है, तो lambda is 2L by 2n plus 1।
2L/2N+1 करेक्ट हाँ अब इनकी वैल्यूज पुट अप करके चेक कर रहे हो क्या 3.2 2N+1 लैम्डा बाय 2L कैसा है समझ नहीं जयशंकर कैसे किया भाई सर मतलब पहले एक किया कि जिसमें बीच में सिर्फ मतलब ये 2 लैम्डा बाय 4 ही आ रहा है फिर उसके बाद एक और किया तो उससे L इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2 आया फिर ऐसे करते गए तो फिर पैटर्न आ गया कि L इक्वल टू 2N+1 लैम्डा बाय 2 या फिर सर जैसे आपने किया मोबाइल मोबाइल सर मोबाइल नहीं एक मिनट हाँ अरे इसका हाँ नहीं हाँ करेक्ट देखो जो है ये सिमेट्रिक होगा ना श्रेयांश रॉड का मिड पॉइंट जैसा लेफ्ट साइड वैसे राइट साइड में होंगे तो भाई ये वाला तो नोड हो गया और ओपन एंड पे तो एंटाई नोड हो गया यहाँ पर ओपन एंड पे एंटाई नोड अब बीच में एंटाई नोड मतलब एन लूप्स और बीच में एक ये वाला एंड पे आधा लूप सर इससे तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 1900 आएगा बट पीछे आंसर में सारे मल्टीपल्स दिए हुए हैं एन की वैल्यू जो है एन की वैल्यू हाँ 0 1 2 3 हो रहा है Copper rod is clamped at its melt point. Find the frequencies between. So, पीछे सभी values दिए हुए हैं क्या इसका? Sir, open organ pipe के analogous लेकर कर सकते हैं. इसमें फिर उसे n lambda by 2 equal to 1 meter आ जाएगा. Link लेकिन इसमें सेटअप में तो दोनों एंड्स ओपन लग रहे हैं ना एज पर द क्वेश्चन क्लैम्प एट द मिड पॉइंट का मतलब क्या लेंगे दोनों एंड्स ओपन लेंगे ना फिर यस सर तो ओपन ऑर्गन पाइप का हमें रिलेशन मिला है ना सर एनएच सर बट क्लैम्प जो है तो सर क्लैम्प है तो नोड तो आएगा ही ना क्लैम्प है तो बीच में नोड आएगा हां सर सो व्हाई कांट द एंड पॉइंट बी अ नोड Yes. सर आपने डिस्प्लेसमेंट का नोड लिया है ना वहाँ पे प्रेशर का एंटी नोड होगा तो वहाँ से हम लोग क्लोज ओपन ऑर्गन पाइप का केस लिखे कर सकते हैं सॉरी क्लोज्ड नहीं 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 जैसे इसमें अगर कि नहीं वैसे भी लोगे तो उसमें भी तो वैसे ही आएगा क्लैम्प्ड एंड पे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ना Yes, clamped end पे displacement zero, midpoint पे और open end जो बाकी ends तो open है ना कहाँ दिया है कि close पहले तो open Yes sir, open है तो फिर वहाँ पर maximum displacement हो ओहो मतलब ये बोल रहे हो कि कहाँ दिया दूसरे ends जो है बाकी end ऐसे free है ना guys कि ये वाले end के बारे में Yes sir, free है सर पर ये जो आपने waves बनाई है वो तो pressure की है ना नहीं नहीं ये तो displacement का बनाया pressure का बनाना है pressure का ही बना लेते हैं क्या पड़ता है pressure का अगर बनाओगे तो यहाँ पर क्या दिखाओगे प्रेशर पे मैक्सिमा दिखाओगे हाँ सर और डिस्प्लेसमेंट का कैसे दिखाओगे यहाँ पर नोड दिखाओगे ऐसा ओपन एंड पे तो सर एंड में सेम ही आंसर आएगा बोल सेम ही आ रहा है सर सेम नहीं आएगा ना क्योंकि इसमें 1900 के सारे ऑड मल्टीपल आएंगे जैसे हमने किए मतलब ये वाले एन और ये वाले एन तो मतलब वही हो गया ना जैसे 2N+1 λ/2 यस सर वही होगा ना लेकिन ये कहां से 2N+1 कैसे आया ओ जैसे मैंने इसको इसको यहां से यहां तक को इसको n लूप्स ले लिया ये वाला ओके सर ओके ओके सर लेकिन क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंगली भाई ये वाला क्लोज्ड ये वाला एंड भी फिक्स्ड जैसा दिख रहा है क्वेश्चन में तभी आएगा जैसे क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन के डेटा में ये वाला एंड फिक्स लग रहा है क्या सर वो मिडिल पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता कि वो एंड्स के मिडिल पॉइंट पे होगा जैसे मतलब डिस्क के मिडिल पॉइंट पे लगाया था वैसे नहीं नहीं रॉड ऑफ लेंथ इज क्लैम्प्ड एट इट्स मिड पॉइंट
लैम्डा इट इज मिड पॉइंट मतलब एंड का मिड पॉइंट नहीं नहीं रॉड का ही मिड पॉइंट होना चाहिए ना अगर ये क्लैम्प्ड है yes, sir, okay. और ये वाला क्लैम्प्ड है और इसको भी क्लैम्प लेते हैं तब क्या होगा ये भी क्लैम्प तो उस केस में फिर ठीक है ऐसे तो हमने ओपन एंड कैसे लिया है दोनों एंड पे हमें क्या लेना है पता नहीं चलेगा लाइक क्योंकि बोला नहीं है एंड्स पे क्लैम्प्ड है कि नहीं बस सेंटर में क्लैम्प्ड यही बोला है ना सर हां सर तो इस ये वाला केस में क्या आंसर आएगा इसमें क्या जाएगा 2n into lambda by 2 ना यस सर यस सर अरे यार ये तो फिर उसको देना चाहिए ना कि एंड्स पे क्या है ये तो गिवन नहीं है यार इसमें रिकॉर्ड आउट है दोनों साइड पे एंड लूप्स इसलिए आ रहे हैं ना क्योंकि इक्वल लेंथ और सेम वेवलेंथ की वेव्स हैं इसीलिए करेक्ट करेक्ट हां ओके सर बस नहीं लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा ना सर फिर भी नहीं हो रहा क्योंकि n into सर 3800 के मल्टीपल जाएंगे ये तो 3800 के मल्टीपल सारे सर तो मतलब गलत होगा नहीं नहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं है अपन या इंटरप्रेट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं चलो ठीक है फिर ये वाला डिस्कस करेंगे गाइस इसको रहने देते हैं आगे बढ़ते हैं ये वाला 43 या बाद में करेंगे यस यस 43 फिर से करते हैं क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं होगा अपन इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे 48 करो नेक्स्ट कौन सा था यार 42 करना है नेक्स्ट अशोक इसमें क्या इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो गया यार सर मुझे तो ठीक ही लग रहा है अरे ऐसे में रॉन्ग कैसे होगा आंसर रॉन्ग दिया रहेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन एम्बिगुअस उन्होंने एंड्स का बताया नहीं है वैसे भी बोल सकते ओके सर ओल्ड एडिशन में ऑड मल्टीपल्स दिया है किस कितना क्या क्या दिया है ओल्ड एडिशन करो तो ये नोट करना है क्या 43rd का सोल्यूशन आपका क्या अभी यस यस हाँ ये वाला कर लो एक बच्चा वो कह रहा है कि ऑड जो सॉरी पुरानी बुक में दिया हुआ है यही सॉल्यूशन है वो कह रहा है सो बट इफ इट वाज एडिटेड इन द न्यू वर्जन देन देयर माइट बी सम एरर इन द ओल्डर वर्जन राइट अरे हां यार ये भी है न्यू वर्जन किसके पास न्यू नया वर्जन किसका था सर मेरे पास एचसीवी का सॉल्यूशन था उसमें चेक किया सर इन दैट दे हैव नॉट टेकन द मिडिल पॉइंट एज क्लैंप सर दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दैट दे हैव टेकन फंडामेंटल frequency as lambda by 2 so which is wrong because if the center is clamped then that will not it is a mistake correct. only when let's see correct lekin new edition mein kisi bacche ke paas answer ye wala diya hai jay tumhare paas naya edition hai kya oh yes sir. okay fir to nahi guys fir ek bar aur sir to fir hum kya kare matlab hum logon ka method hi sahi hoga na हाँ अभी के लिए तो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन फिर भी वी विल लुक फॉर इट कुछ मिस्टेक एरर होगा तो प्लीज लेट मी नो गाइस हां सो आई टुक इट एज एन ओपन ऑर्गन पाइप एंड आई गॉट द करेक्ट आंसर लाइक दिस हाउ डिड यू डू लाइक दिस वन कुंड एक्सपेरिमेंट इट वाज रिटन दैट द रॉड अटैच्ड बिहेव्स लाइक एन ओपन ऑर्गन पाइप एज द टू एंड्स आर फ्री टू वाइब्रेट सो आई टुक इट एज एन ओपन ऑर्गन पाइप एंड यूज्ड दैट फॉर एंड गॉट द आंसर Or two ends are free to vibrate, na? Yeah. I have also taken two ends are free to vibrate or displacement. I have taken anti node.
So I don't know, madam. I used the. Sir, you took the center as clamp. Are right? Center clamp? Ha, center as clamp. You can't take. The taking it as an organ pipe does not confirm that the center will be clamped. Oh, okay. ठीक है चलो चलो इसके बार लेकिन तुम लोग कोई खोजना यार इसमें कुछ तो होगा अपना एरर है कहीं अभी के लिए तो एक्सेप्ट कर लेते हैं सर ऑन पेज 340 इट इज रिटन दैट अ रॉड अटैच्ड इज क्लैंप्ड एट द मिडिल सो लाइक यस यस हां एंड देन ऑन द नेक्स्ट लाइन इज रिटन इट बिहेव्स लाइक एन ओपन ऑर्गन पाइप सो इज इट रॉन्ग और समथिंग देन इसमें जो है इट इज क्लैम्प्ड एट द मिड पॉइंट सो यस यस हां मैंने थोड़ा अलग मेथड से किया मैं उसका सॉल्यूशन दे दूं आई डोंट नो इफ इट्स करेक्ट लाइक कैन यू हां प्लीज टेल हाउ डिड यू सॉल्व इज इट ओके फॉर सेंड द सॉल्यूशन ओके हां Dhriti, usme wo bhi hai na, in that, that way, see, it's written, assuming that it vibrates in fundamental mode of jo hai, the rod behaves as an open organ pipe, as its two ends are free to vibrate, aur jo hai, diya hai na, the clamp point is a pressure antinode, pressure antinode, so antinode, pressure antinode, the displacement ka node jo humne liya, and the two ends of the rod are pressure nodes for the displacement ka antinode humne bhi wahi liya na so mistake kahan ho gaya samajh sir maine online check kiya sir online pe bhi wo log ne yahi liya hai I mean wo log ko bhi 19 matlab wo log ko bhi 1.9 n aa raha hai to wo log ne kya kiya ki wo log ne frequency ko v by 2l times n le liya matlab wo log ne ओपन ऑर्गन पाइप आ रहा है कंसीडर किया उससे आंसर आ रहा है उसमें तो ऑड आ रहा है उसमें तो ऑड आना चाहिए अशोक हां सर मैं भी वही बोल रहा हूं बट मैंने ऑनलाइन चेक किया यहां पे भी यही किया है लोगों ने ऑड ही दिया है नहीं इवन जो एचसीवी में दिया है तो एचसीवी में इवन नहीं सारे मल्टीपल हां सॉरी सारे मल्टीपल इधर भी है सो ओपन ऑर्गन पाइप में भी तो एंड में प्रेशर का नोड ही होता है लाइक पी आउटसाइड द ओपन ऑर्गन पाइप इज आल्सो जीरो राइट यस हां इधर भी तो वही हो रहा है लेकिन यहां पर जो है रॉड का मिडिल है टोटल लेंथ इज एल और दूसरे साइड भी जो है ये भी है अगर यहां से यहां तक होता तो फिर ठीक था लेकिन अपना इंटरेस्ट पूरा एल तो यहां से यहां तक का लेंथ है और सर यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट है कि मतलब जो मिडिल पॉइंट है वहां पर एक नोड आना कंपलसरी है ना यस इट इज अ कंस्ट्रेंट टू अनवे यस हाँ भाई बोलो क्या इसमें क्या एरर है सर मैं भी कंफ्यूज ही हूँ ठीक है गाइस इसको फाइंड आउट Let's find out later on. Again, so can we read the theory at home and again we can discuss this on next class? Yes. हाँ इसका ऐसे तो ये वाला जो है कून्स ट्यूब का है नहीं लेकिन फिर भी अपन डिस्कस करेंगे वाला हाँ. Next करो जल्दी 42nd. Thank you.
42nd guys aaya na? Yes. 46. So 46 is almost same as 41, right? 46 is same as 41. Okay, okay. ठीक है इसको रहने देते हैं. 40 फिर कौन सा था? 48 करते हैं. We don't have to do 46. Are you saying something? क्या क्या? गाइस कौन सा कर रहे हो? 48 ना सर. आप एक बार 46 कर सकते? यस सर. हुआ नहीं एक्चुअली. यस सर. 46 सर मतलब हम उसमें ऐसे कर सकते हैं कि f मतलब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है सर, तो f इक्वल टू 2n प्लस 1 v नॉट बाय 4l और फिर उसके बाद सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 100 आ जाएंगे. अच्छा सर हो गया सॉरी. ओके ओके हां दैट्स व्हाई हर्षिल वाज सेइंग कि पहले किया हुआ इस टाइप का. जो रेंज होगी वो बदल जाएगी. ये जीरो से स्टार्ट करने की बजाय वन से कर लेना. इसमें तो जीरो से स्टार्ट नहीं, इसमें कैसे करोगे? टू एन जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा ना. टू एन प्लस वन लैम्डा बाई फोर तो से लैम्डा आ जाएगा. ओके सर गॉट मैं. तो सर बेसिकली हमने जो डिराइव किया था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 v नॉट बाय 4l वही डाल के हो जाएगा. ओके ओके उससे ही आ जा रहा है. हां After 48 which way? After 48 जो है 51 करते हैं. 51 यार 50 के 51 तो 50 अभी नहीं कर रहा है. 50 अभी वो डायग्राम किसका है? डायग्राम 50 ओ सॉरी हां 50 का ही 50 करते हैं. सॉरी डायग्राम सी का है ना. डायग्राम वाला क्वेश्चन जो है 50 48 आ गया ना गाइस. तो 50 करो.
So 48 में 32 को lambda by 2 ले लेंगे ना 48 में जो है yeah. तो हम closed organ pipe का वो relation लगा सकते हैं ना यहाँ पे okay okay हाँ lambda 2 से फिर आप जो है हाँ lambda by 2 pull up करोगे पहले sir उस सब की जरूरत क्या है okay sir हम लोग directly हमने formula derived किया है ना v sound equals 2 times f tuning times l2 minus l1 और l2 minus l1 की value ही दी हुई okay okay हाँ मतलब वही हो जाएगा basically इस क्वेश्चन में वो एक्सपेरिमेंट बस हॉरिजॉन्टली रख के किया है और सेम है पूरा इसमें सिलेंड्रिकल पाइप और या फिर ऐसा हाँ या फिर वही इक्वेशन आ जाएगा इससे लैम्डा की वैल्यू 64 सेंटीमीटर फिर v इज इक्वल टू f लैम्डा या फिर फॉर्मूले से जो है हाँ v इज इक्वल टू f टाइम्स 2 टाइम्स l2 माइनस l1 l2 माइनस l1 इज 32 सेंटीमीटर Can you solve 50? I'm not getting the answer. Just 2 minutes. So can you please give 2 minutes? Yes, sure. सर सेकंड हार्मोनिक मतलब हमको जैसे वो डायग्राम में दिया है वो 40 सेंटीमीटर वैसे ही अज्यूम करना है ना यस वैसे ही टू लूप्स होंगे ओके ये डायग्राम में तो वायर में सेकंड हार्मोनिक है और इसमें तो फंडामेंटल मोड बोल रहा है क्या सर फंडामेंटल सर वो ट्यूब का है ना लेंथ का है लेंथ ऑफ एयर का अभी नहीं हां डन सर यू कैन डन क्या सर कैन यू सॉल्व 52 करो भाई 52 सर तो मतलब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर इन ट्यूब है दैट इज इक्वल टू सेकंड हार्मोनिक ऑफ वायर ना यस हां सर तो फिर कुछ कैलकुलेटर हुआ ज्यादा है क्या सर एक मिनट सर मेरा आंसर थोड़ा अलग आ रहा है मतलब एग्जैक्टली आ रहा 50 गिरेगा ओके यस सर मतलब उसमें पीछे 11.6 दिया है मुझे 11.56 बार यस सर बट ये एप्रोक्सीमेशन होगा ओके ओके
वायर और एयर का जो सेम हो जाएगा. और इसके लिए क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई फोर एल. यही क्या रहेगा इसमें, और म्यू जो है म्यू भी आ जाएगा, म्यू की वैल्यू जो है 10 की पावर माइनस 2 आएगी मास बाय लेंथ. यस इन द 57 क्वेश्चन ओपन ऑर्गन पाइप लेना है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लेना है? दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है सर. बोला था स्मॉल चेंजेस के लिए वाला कर देंगे सर, क्योंकि कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे ना. मैंने किया था जैसे कांस्टेंट है ना वो, और स्क्वायर रूट तो हाफ आ जाएगा सर. हो गया आंसर. यस सर, बस वी नॉट को अंडर रूट गामा आर टी बाय एम से रिप्लेस कर देंगे. Yes, sir. Yes, sir. जो है ये मतलब ये जो है n by 2l या 4l whatever सब कैसा भी ले लो, और v not और ये सब तो constant ही रहेगा, और इसको तो आप gamma rt by m और अभी वो कर देंगे हम स्मॉल चेंजेस वाला, स्मॉल चेंजेस का, और फिर गामा आरटी बाय एल पोस्ट गामा आरटी बाय एम को वी से रिप्लेस. सो यस हां, ओ ये पूरा तो कांस्टेंट ही है. सर वो एक्सपेरिमेंट में स्पीड अप साउंड है ना गैस वाले एक्सपेरिमेंट में, वेयर द रॉड इज क्लैम्प्ड का हमने रीजन फाइनली आपने बताया था, मतलब कौन से पॉइंट पे वो क्लैम्प नहीं. हाँ, उसका अपन को पता नहीं चल रहा था कि क्या रीजन है,
ये तो कुछ रीजन पता नहीं चल रहा था, मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंट एक बार देखूंगा कि उसका एक्सपेरिमेंट में मैनुअल में क्यों है इसका रीजन। ओके सर, क्योंकि सर 54th और 55th शायद उस पे बेस्ड है। यस सर, मतलब उसमें मतलब जो क्लैंप का प्लेसमेंट है उससे कैसे फर्क पड़ रहा है उस पे ही है। ओ क्लैंप का प्लेसमेंट यहां पे तो 1 मीटर और 25 मतलब मिड पॉइंट नहीं है ना यहां पे। यस सर, मिड पॉइंट नहीं है तो कैसे कर। कोई बात नहीं, अपन तो अपना बस ये इंट्रोड्यूस करेंगे कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी एक मीडियम जब गैस एक मीडियम जो जाएगा साउंड सोर्स वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी अपन बोलेंगे, उस अप्रोच करेंगे बस। वो अप्रोच से करते हैं जो इधर रॉड में फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी अपने अंदर कून्स ट्यूब में होगी गैस में। यस जय, यहाँ पे तो मिड पॉइंट नहीं है, मतलब मिड पॉइंट इज नॉट नेसेसरी क्या। So, मतलब कून्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट में लिखा था मिड पॉइंट होगा बट लाइक इधर तो नहीं है। ओके ओके, तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं पता सर मिड पॉइंट का। ओके ये तो ठीक है 50 गाइस, ट्राई करो 54 अपने आप उसका ड्रॉ करके भाई कौन सा क्या होगा जैसे भी उसका रॉड का देखो, रॉड का एनालिसिस करो और इधर इस साइड गैस का एनालिसिस करो भाई। फ्रीक्वेंसी जो है एक मीडियम बस हमारे पास वही कांसेप्ट है। आ गया 54 सर, आ गया 54 54 आ जाता है क्या। हां एक मिनट सबको एक हां 55 भी ट्राई करो। सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इस क्वेश्चन में आप लोग जो बोल रहे हो कि कॉपर रॉड बीच में क्लैंप नहीं किया है वो कैसे समझ आ रहा है। लाइक इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉपर रॉड हैज लेंथ एट क्लैंप एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड्स। तो यहाँ पे क्लैंपिंग मिड पॉइंट पे नहीं है। उसका कुछ फर्क नहीं पड़ा ना आंसर को। हाँ इसमें तो मतलब क्लैंपिंग कहीं पे भी मतलब इसको क्वेश्चन में ऐसा दिया है मतलब कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होगा शायद। सर मतलब क्लैंपिंग से फर्क पड़ता है सर। क्लैंपिंग से क्या फ्रीक्वेंसी पर चेंजेस आता है। यस सर, मतलब आप जब सॉल्व कर रहे हैं सर तो सबसे पहले आप एक लॉन्जिट्यूडनल वेव पासिंग थ्रू कॉपर में सॉल्व करेंगे और जहां पर क्लैंप्ड है सर वहां पर आपको एक नोड अज्यूम करना होगा। Yes, हाँ। और टोटल लेंथ पे देखना होगा तो सर उससे कि उससे पूरे लेंथ आती है 1 meter equals to lambda, तो उससे lambda in air आ जाता है, फिर v air upon v lambda upon lambda in air equal to velocity in copper upon lambda in copper जो कि 1.1 meter होता है, तो फिर उससे आ जाता है। जैसे ये जो समझा एक रुझान देखो पाउडर, ये जो है पाउडर का पहले देखते हैं तो पाउडर के हिप्स बन गए है ना, और हीप्स आर सेपरेट बाय डिस्टेंस ऑफ हाउ मच 5 सेंटीमीटर। तो हीप्स आर सेपरेट बाय डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो पाउडर वाले डेटा से क्या मिल गया, दिस इज 5 सेंटीमीटर, सो लैम्डा बाय 2 इज 5 सेंटीमीटर, तो उससे लैम्डा की वैल्यू तो 10 सेंटीमीटर आ गई। 10 सेंटीमीटर और एफ क्या हो जाएगा, वी बाय लैम्डा, अभी जो फ्रीक्वेंसी हम गैस में निकाल ले रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव्स, स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर 340 दिया हुआ है। यस ठीक है, तो ये वाला 340 और ये वाला जो है 0.1 हो गया 1/10, तो ये तो आपका 3400 हर्ट्ज है ना यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे भी 3400 हर्ट्ज है। अब यार एक साइड 25 सेंटीमीटर है और दूसरे साइड 75 है, तो अगर मान लो एक साइड का लूप्स क्या ले यहाँ पर, मान लो यहाँ पे n और एक आधा, सो जो है
तो ओके ये वाला जो है ये वाला ओपन एंड और यहाँ पर जो है हाँ कुछ नहीं था सॉरी सर इट इज वाइब्रेटेड सर हम लेफ्ट में एन और राइट में थ्री एन कर सकते हैं क्या लाइक लेफ्ट में अगर एन तो राइट में थ्री एन लूप्स यार ये दूसरा एंड कैसा है दूसरा एंड तो यहाँ फिक्स्ड है ना ओके सर दूसरा एंड किसके साथ इसके साथ तो फिक्स्ड है कॉपर रॉड ऑफ लेंथ क्लैम्प्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड्स कंटेन्स एयर स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स इन कॉपर स्पीड ऑफ द साउंड वेवलेंथ कैसे निकालेंगे गाइस ये वाला डेटा से तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी क्या बाय क्लैंपिंग नहीं फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगा तो सर फ्रीक्वेंसी या स्पीड है तो फिर नहीं निकाल सकते क्या नहीं स्पीड निकालना है रॉन्ग है रॉन्ग है ये वाला पता है लैम्डा कैसे आएगा लैम्डा इन द रॉड ये निकालना बाकी है क्या सर लैम्डा इक्वल टू 1 आएगा दोनों एंड्स को अगर आप ओपन लेंगे दोनों एंड्स को 1 लेना है ओपन यस सर मैंने वैसे ही लिया तो लैम्डा इक्वल टू 1 मीटर आ गया और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन कॉपर 3400 मीटर पर सेकंड दोनों सर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी अज्यूम करनी तो लोएस्ट वाला अज्यूम किया ओके अरे हाँ ये भी है ऐसा बोल सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर मार्क पे एक नोड होगा और एवरी 5 सेंटीमीटर पे एक और नोड आएगा तो एंड पॉइंट्स भी नोड्स ही होंगे तो ओपन ओपन पाइप की तरह ले लेंगे सर हाँ लेकिन जो है ये फंडामेंटल वाला लेना क्यों है मतलब इसका रीजन आई गेस ही इज टेकिंग दिस वे वो ऐसा ले रहा है इसका रीजन यस सर दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेकिंग रीजन कैसे एक्सप्लेन करोगे तो मतलब मैंने से सोचा कि कुछ दिया हुआ नहीं है तो मैंने अज्यूम कर लिया सर दोनों ओपन कैसे ये वाला एक एंड तो वहां क्लोज्ड है ये वाला भी तो यहाँ पर जो है सबने सिंगल ये क्यों कंसीडर किया 25 सेंटीमीटर सिंगल ओवरटोन ऐसा कुछ मल्टीपल नहीं हो सकता क्या हाँ उसका भी कुछ वैल्यू से दिया नहीं है उसने बोला कि उस वैल्यू से मैच हो जा रहा है ही टुक द मिनिमम वैल्यू इसका रीजन तो नहीं है कुछ कैसे वो तो हायर वाली वैल्यू भी ले सकते हैं इसमें वो भी है क्या रॉड assuming that it is vibrating in fundamental mode of vibration इसलिए क्या least ये ऐसा कुंस ट्यूब में जो है सर जो आपने लेफ्ट साइड में n लूप्स लिया तो राइट साइड में 3n लूप्स नहीं आएंगे यस सर मैंने भी वही बोला था लेकिन ना पेज 340 में वो भी दिया हुआ है कि the rod behaves like a open organ pipe when the two ends are free to vibrate two ends are free और ये भी दिया है assuming that it is vibrating in fundamental mode of vibration
ये assumption है यार इसका तो. तो assumption ले रहे हैं guys ये वाला, ठीक है. सर नहीं, अगर 3n राइट साइड में लेंगे तो टोटल 4n लूप्स हो जाएंगे और वो 1 मीटर के लिए है तो एक लूप का लेंथ 25 हो जाएगा. So if we are like the piston has to vibrate for the air particles to vibrate, so piston will be an antinode and the other end is an open end, so even that will be an antinode, right? So you don't need to assume anything, right? नहीं, वो कह रहा है कि बीच में लूप्स और ज्यादा क्यों नहीं लिए इसे. हाँ ये तो ठीक है, ये वाला. हाँ यस, सो देन दैट विल बी एन अजम्पशन. ये वाला ये कैसे लेंगे अपन, ये किस अजम्पशन से? बट कुछ नहीं दिया है तो हम लोग फंडामेंटली अज्यूम कर सकते हैं ना. करेक्ट, हाँ वो भी, लेकिन हाँ उसके से ठीक है. चलो ये वाला अज्यूमिंग दैट, हाँ ठीक है, वाइब्रेट्स इन फंडामेंटल मोड. सर दूसरे एंड को आपने फिक्स्ड क्यों नहीं लिया, वो नहीं समझ. नहीं वही जो है वाइब्रेशंस इंड्यूस कर रहा है, क्योंकि जो है वही गैस पार्टिकल में वाइब्रेशंस इंड्यूस करेगा. ओके सर, ठीक है. चलो गाइस ये वाला अज्यूम कर लो कि ठीक है, ये वाला जो है लोएस्ट मोड पे है, फंडामेंटल मोड, तो इसको हटा देते हैं. तो ये डायग्राम चलो ठीक है, तो इससे फिर कितना आ जाता है, लैम्डा जो है लैम्डा इज इक्वल टू 1. तो लैम्डा इज इक्वल टू 1, ये 3400 हो जा रहा है. चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला ट्राई करो फिर गाइस. सर कुंडेट एक्सपेरिमेंट में कोई डाउट है? हाँ लाइक सर उसमें जो रॉड क्लैंप करने वाला पार्ट था, वो रॉड बेसिकली कर क्या रहा है एक्सपेरिमेंट में? मेजर करते हैं ना ट्यूब के अंदर जो है, बट यहाँ पे तो हम कॉपर के, मतलब सर कॉपर पे वेव्स कहाँ से आ गया, वो नहीं समझ आया. ओ नहीं नहीं वो तो वही तो है, यहाँ पर जो जो है वो एक बार वो अपैरेटस दिखाएंगे, समझ नहीं आ रहा है. ओके okay. जो एचसीवी पेज जो है उसमें 340 उसमें जो है वाला बोल रहे हो ना? नहीं आप आपने जो ड्रॉ किया उसमें तो अलग ही था. उसमें तो क्या था, साइड से जो है वो सिर्फ वो पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन के लिए हमने डिस्कस किया था वाला, वो अपरेटस का विजुअल कि हाँ पार्टिकल्स कैसे जो है नोड्स पे कंसंट्रेट होके निकल जाते हैं. तो रॉड पे वेव्स कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं? ओ नहीं उसमें तो जैसे 340 में यू फिर स्टडी की दिया है ना वहां पर कि जो है इट इज इलेक्ट्रॉनिकली जो है उसको वहां पे वो ये दिया है ना वहां पर क्या दिया है कहां पर है लेट्स सी दिस इज पेज 340 में ये ना. हां द रॉड इज सेट इनटू लॉन्गिट्यूडल वाइब्रेशंस इलेक्ट्रॉनिकली बाय रबिंग इट विद सम रोजन क्लोथ और अदरवाइज. सर आई गॉट इट, लाइक सर मतलब कि रॉड पे हम लोग वेव्स जनरेट करते हैं जो अंदर के जो जो अंदर के गैस पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं, तो जिसकी वजह से बेसिकली एक्सपेरिमेंट होता है. करेक्ट, हां वही दिया हुआ है. तो सर वो मूवेबल पिस्टन क्या करता है? ओ नहीं वो पिस्टन वो जो पहले तो डिस्क था, पहले वाला डिस्क था ना. हां सर जिस पे रॉड को क्लैंप किया और वो मूवेबल पिस्टन से हम उसको जो है एल को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं. जो है थ्योरी फिर करते हैं, वेट्स का करते हैं. 55 उसमें दिया हुआ है गाइस फंडामेंटल मोड है करके. और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है. सर सेम हो गया ना, इसमें तो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, फंडामेंटल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है.
फ्रीक्वेंसी निकाल के यहां पे इसमें डाल सकते हैं, यहां पे क्लैंप्ड मिड पॉइंट पर है सर, बस इतना ही डिफरेंस है। सो यहां पे क्या जाएगा रॉड के लिए, लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू 50, लैम्डा बाय 2 ना, टोटल लेंथ ऑफ लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू 1 मीटर। ओ हां, लैम्डा बाय 4 इज 50, ओके ठीक है, लैम्डा बाय 4 इज 50 सेंटीमीटर, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 मीटर, ओके। और फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे पाउडर वाले से, फ्रीक्वेंसी हमें, फ्रीक्वेंसी तो गिवन है ना, सर लैम्डा बाय 4 इक्वल टू 1 मीटर होगा, इसमें दिया है 50 सेंटीमीटर, हाफ पॉइंट 50 सेंटीमीटर लैम्डा बाय, इट इज क्लैंप्ड एट द मिडल पॉइंट, दिस इज 1 मीटर, तो ये ला 50 सेंटीमीटर, ये ला 50 सेंटीमीटर, और वेलोसिटी निकालनी है, v इज इक्वल टू f लैम्डा, और सेकंड वाले केस में लैम्डा बाय 2 हिप्स के बीच का डिस्टेंस 6.5 सेंटीमीटर, हाँ ये रहा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर v इज इक्वल टू f लैम्डा, चलो फिर आगे करते हैं, इसका दोनों का आंसर मैच हो रहा है ना गाइस, ये वाला यस यस यस, चलो फिर ठीक है, बीट्स तो बीट्स जो है पीरियोडिक वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, periodic variation in intensity of sound when two sound waves, when two sound waves of slightly different frequencies interfere. Slightly different frequencies interfere at a point. Periodic variation intensity of sound when two waves of slightly different frequencies interfere at a point. Periodic variation intensity of sound waves when two sound waves of slightly different frequencies interfere at a point. So, guys, ये क्यों ऐसा हो रहा है? Why do intensity vary करेगा? Slightly different frequencies. Frequency frequency change कैसे होगा? Source पे depend करता है ना वो तो. Yes, हाँ. तो हमने जो लिया है दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज लिए, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ओके, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेव्स भेजे हैं, यस अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के वेव लिए, उसका इंटरफेरेंस कराया एक पॉइंट पर, तो उस जगह पे, उसी जगह पे, हाँ उसी जगह पे जो है वेव की इंटेंसिटी क्या हो रही है, वेरी कर रही है, क्यों वेरी कर रही है, दोनों का फेज डिफरेंस रहेगा ना टाइम पे डिपेंडेंट, यस, तो अभी जो अभी सोर्सेस कोहेरेंट नहीं रह गए, अब जो फेज डिपेंडेंट, जो फेज डिफरेंस एट दैट पॉइंट विल बी टाइम डिपेंडेंट, so phase difference at that point will be time dependent, तो इसके कारण जो है क्या जाएगा वहां पे जो इंटेंसिटी वेरी करती जाएगी। अब इसमें जो है तो साउंड का जो है
जो एक वीडियो मैंने जो भेजा था एक सर का, तो उसमें था ना साउंड का, कैसा साउंड आता है, पहले साउंड कम है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, राइट गाइस? पहले जो है साउंड मिनिमम, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, तो वाह वाह ऐसा कुछ साउंड आ रहा था ना, बोला वीडियो देखा था क्या गाइस? बोला तो जो है इसमें जो है पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं बीट पीरियड. Beat period is the time for one rise and one fall in intensity of sound. तो sound की intensity जो कम ज्यादा हो रही है, तो एक rise और एक fall in intensity of sound is called as beat period. और बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा फिर? बीट फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो जाएगा? इस वन बाय बीट पीरियड. यस. सो बीट का मतलब है एक राइज और एक फॉल इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड. सो अब इसमें जो है जस्ट अ सेकंड प्रीवियस. ओके ओके सर. Done. Wait, sir. Wait, sir. Just a second. Sir, can you just show the previous page 1 second? Okay. Yeah, thank you. Chalo, ye ho gaya. To prove that a beat frequency f is equal to f1 minus f2. F1 F2 जो है frequency of two sources. So beat frequency is F1 minus F2. ठीक है, तो frequency अलग अलग है. So किसी instant पर जो है, ठीक है, the waves they may be out of phase किसी instant पर. जैसे दो waves हैं. So wave 1 and wave 2. So ठीक है, ये किसी instant पर they are out of phase. A1, A2. फिर कुछ देर के बाद यहाँ पे F1 और F2 क्या है? Oh, frequencies. F1, F2 are the frequency of sound wave 1. Okay, sir. Understood. Okay. Or F2 is frequency of sound wave 2. So, angular frequency kya ho jayega? Iska 2 pi F1 ho jayega. Aur dusre wale ka angular frequency will be 2 pi F2. So, bhai yahan par jo hai, dono ke frequency alag hai, to angular frequency bhi alag rahoga. Agar phasor se dekhte hain, to phasor se there will be relative angular velocity. Kisi instant pe aise honge. और कुछ देर के बाद जो है ये ऐसे आ जाएंगे. इसको ठीक है जैसा भी प्रेशर से भी डिनोट करना है तो प्रेशर से भी डिनोट कर सकते हो. सपोज ये PO1 एम्पलीट्यूड, PO2, फिर दोनों में क्या हो गया, सेम हो गए. फिर कुछ देर के बाद जो है क्या हो जाएगा, सेपरेशन. सपोज 1 के रिलेटिव देख रहे हैं, 1 के रिलेटिव 2 घूम रहा है ये ऐसा. सो गाइस यहां से यहां तक क्या हुआ, यहां से यहां तक सिचुएशन में जाएंगे. यहाँ पे तो मिनिमम इंटेंसिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइज इन इंटेंसिटी, राइज इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड. सो फर्स्ट मेथड टू प्रूव दिस राइज इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड. और यहां से यहां तक क्या हो रहा है, फॉल.
तो फॉल इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सर P1 P2 प्रेशर लिखा है ना आपने? यस यस एम्पलीट्यूड प्रेशर एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड फेजर डायग्राम में एम्पलीट्यूड दिखाते हैं तो ठीक है यहाँ पे साउंड वेव डिटेक्टर्स जो है साउंड एक्सेस प्रेशर को सेंस कर रहा है तो इसलिए प्रेशर एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड दिखा रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप एक बार आउट ऑफ फेज देन इन फेज देन आउट ऑफ फेज पे पहुंचे ना? करेक्ट आइस फॉल। ओके वैसे ही होगा अगर मान लो फेज डिफरेंस जो है टाइम वेरिंग होगा तो किसी इंस्टेंट पे जब अपोजिट होंगे तो मिनिमम होगा और फिर कुछ देर के बाद रिलेटिव है तो एक ही रिलेटिव दूसरा का फेजर मूव करेगा और फिर जब इन फेज आ जाएगा तो मैक्सिमम फिर वापस आउट ऑफ फेज चला जाएगा फिर मिनिमम। सो हमें यहाँ से यहाँ इस पूरे टाइम को बोलेंगे एक बीट पीरियड बोलेंगे वन राइज इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड वन फॉल इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज बीट। अब ये टाइम निकालेंगे कैसे हम रिलेटिव लिख रहे हैं तो थीटा रिलेटिव इज इक्वल टू ओमेगा रिलेटिव इनटू टाइम और अगर मान लो एक पूरा देखना है तो इसके लिए 2π हो गया। अगर रिलेटिव देख रहे हैं तो इसको फिक्स कर लो इसके रिलेटिव वाला P2 वाला पूरा एक चक्कर काट के आ गया 2π ओमेगा रिलेटिव हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और ये हो जाएगा टाइम ऑफ 1 बीट तो 1/T बीट ये हो जाएगा बीट फ्रीक्वेंसी एफ बीट और इधर क्या आ जाएगा ओमेगा 1/2π माइनस ओमेगा 2/2π और ये हो जाएगा हमारा F1 माइनस F2 मॉड ऑफ F1 माइनस F2। और स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इसलिए बोला है यहाँ पर जो है स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज क्योंकि देखो ये जितना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आएगा F1 माइनस F2 तो मतलब अगर सपोज F1 माइनस F2 इज 4 मतलब एक सेकेंड में क्या होंगे 4 राइज एंड 4 फॉल तो अवर जो भी है अवर ईयर्स विल बी एबल टू सेंस दैट। ज्यादा डिफरेंस हुआ से 50 का डिफरेंस हो गया मतलब 50 राइज एंड फॉल सो अवर ईयर्स विल नॉट बी एबल टू जो है डिटेक्ट दोस 50 राइज एंड फॉल तो इसलिए जो है अपन जो ये प्रेफर करते हैं कि जो है बीट डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो है कम हो। और सर आपको ये इक्वेशन कैसे आप एक बार बता सकते हैं? सर मेगा आर वाला टर्म नहीं समझ रहा मैं। ओ हमें क्या निकालना है भाई टाइम बताना है जब इंटेंसिटी ऑफ द साउंड एक राइज और एक फॉल का टाइम है ना तो अच्छा ये थीटा रिलेटिव है थीटा रिलेटिव यस क्योंकि हमने क्या किया रिलेटेंट लगाओ की सपोर्टेड ये हमने रिलेटिव ले लिया क्योंकि एक को फिक्स कर दिया और दूसरे के फेजर को मूव करा रहे हैं। यस सर अभी सब समझ। तो इससे जो है एंड एचसीवी में जैसे गिवन है कि अराउंड जब बीट्स जो है बीट फ्रीक्वेंसी 16 से कम होनी चाहिए एनसीईआरटी में शायद 8 या 10 दिया हुआ है। खैर इट्स जो है ऐसा कुछ तो ये पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करता है डिटेक्ट करने का एबिलिटी ना तो बीट फ्रीक्वेंसी इज F2 F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1 दिस इज द फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड गाइस ये वाला कॉपी हो गया ना? यस सर जस्ट अ मोमेंट सर सर एक सिली डाउट था। हां आपने थीटा रिलेटिव को 2 पाई क्यों लिया? वो थीटा रिलेटिव को देखो भाई अभी जो है हम क्या बोल रहे हैं रिलेटिव टू 1 कर लिए इसको फिक्स कर दो सर एक टाइम पीरियड में बस वो 2 पाई घूमेगा इसलिए हमने बीट पीरियड को डिफाइन किया कि एक जैसे साउंड की कैसे होगा जैसे साउंड पहले धीरे घूम बढ़ेगा फिर घूम नीचे कम होगा ना साउंड का जो है इंटेंसिटी उसी पॉइंट पर घूम बढ़ा और फिर नीचे हुआ तो 1 राइज एंड 1 फॉल है ना इंटेंसिटी ऑफ साउंड। राइज कब होगा भाई जब पहले ऑलरेडी मिनिमा में हो हाँ मिनिमा से मैक्सिमा तक मिनिमा से मैक्सिमा पे आने के लिए रिलेटिव एंगल जो चलेगा रिलेटिव एंगल कितना चलना पड़ेगा पाई का? अच्छा सर वही बोला था ना मतलब एक टाइम पीरियड में वो 2 पाई घूमेगा P2 विद रिस्पेक्ट टू P1 मतलब एक राइज और एक फॉल के रिस्पेक्ट में हम जिसे डिफाइन किए हैं उसको हम रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ओके सर तो ओवर अ टाइम पीरियड ओके सर थैंक यू सर। ये यहां से यहां तक एक राइज हुआ फिर यहां से यहां एक फॉल तो 1 राइज एंड 1 फॉल का टाइम इज 1 बीट
वन बीट टाइम फॉर वन बीट आ गया उसका इनवर्स जो है बीट फ्रीक्वेंसी यस अंडरस्टूड थैंक यू सर एफ वन माइनस एफ टू या एफ टू माइनस एफ वन ठीक है तो अब जैसे एच सी वी का स्टेटमेंट भी जो है एच सी वी का पेज 342 में वो लिख लेते हैं पेज 342 में एग्जांपल 16.7 के ऊपर है ना क्या लिखा है द डिफरेंस डज द डिफरेंस ऑफ द कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन 16 हर्ट्ज फॉर बीट्स टू बी हर्ड सो इसको लिख सकते हैं सो डिफरेंस ऑफ component frequencies should be less than 16 hertz for the beats to be heard So, but the audible range is from 20 hertz to 20,000 hertz. वो तो audible of the sound. यहाँ पे तो variations हैं. Rise and fall. Beats मतलब rise and fall. मतलब जैसे 16 है तो 16 उतार, 16 उतार और 16 मतलब चढ़ा उतार ना, right? Okay sir. जो जो sound जैसे आपने दिखाया था ना वाव 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 आता है, तो है ना? ज़्यादा fast हो गया तो जो है हम detect भी नहीं कर पाएंगे. हमें एक एक यूनिफॉर्म जैसा लगेगा ओके ठीक है गाइस ठीक है फिर वो सेकंड मेथड जो सर का प्रूफ है वी विल डिस्कस दैट वन चलो ये वाला तो होमवर्क कर देता हूँ पेज 340 ठीक है गाइस तो ये वाला होमवर्क करते हैं सो सेकंड मेथड प्रूफ के लिए पेज 340 बीट्स ये होमवर्क तो गाइस ये वाला फिर ठीक है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं साउंड में कितना टाइम लगेगा लगभग इसमें किसमें साउंड क्या आपका टाइम अभी तो अपन कहां आ गए बीट्स ना बीट्स के बाद जो है ये डॉपलर इफेक्ट बचा था ओके सर डॉपलर इफेक्ट हां लास्ट है डॉपलर इफेक्ट में थोड़ा सा सम्स के वैरायटी अलग अलग ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें भी देखो काफी सारे सम्स लिए हैं अराउंड देखोगे 60 से लेके 89 तक डॉपलर इफेक्ट के सम्स हैं पूरे ठीक है विल प्रैक्टिस दैट फ्रॉम आल्सो ओके गाइस फिर आज इतना ही करते हैं कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास हां सर वो एक सेकंड आप प्रीवियस पे दिखा सकते हो समर्थ हां प्रीवियस पेज ओके सर आप नेक्स्ट क्लास वापस से बता सकते हो कि 16 हर्ट्ज क्यों होता है लाइक मिनिमम ओह नहीं नहीं ये तो ऑब्जर्वड है कि जैसे जैसे कोई वेरिएशंस हो रहा है साउंड का कहीं कम साउंड का इंटेंसिटी कम होना ज्यादा होना कम होना ज्यादा होना अगर मान लो ऐसा तो अगर बहुत ज्यादा होंगे तो ईयर्स डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे वो बोलना चाहते हैं ना यस हां बहुत ज्यादा होंगे तो ईयर्स डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे अपन को लगेगा कि कोई वेरिएशंस ही नहीं है ऑलमोस्ट सेम है अच्छा ओके सर गॉट इट लेकिन यही जो है एनसीईआरटी में अराउंड 10 कुछ दिया हुआ है एनसीईआरटी किसी के पास है क्या वाला देख सकते हो एनसीईआरटी नहीं दिखा सो वो लोग क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे नहीं मोरिंग यस यस हां हां इसको तो स्पेसिफाई करेंगे कि हां टू बी डिटेक्ट करने के लिए कितना उस पर्सन को कितना कितना है वो तो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगा ऑब्वियसली राइट हां सर मतलब कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है नहीं नहीं स्टैंडर्ड है नहीं हां सर यस हाँ मेरे को पूछना था ये जो आपने बोला था डिफरेंस 16 हर्ट्ज का ना तो वो ऐसा है कि 8 राइज 8 हर्ट्ज राइज 8 हर्ट्ज फॉल नो बीट 1 बीट मतलब 1 राइज और 1 फॉल तो 16 चढ़ाव और 16 उतार अच्छा तो सर वो मिनिमम रहना चाहिए हाँ मतलब 1 बीट मतलब 1 बीट मतलब 1 राइज और 1 फॉल में हो गया तो 16 बीट्स जो है ऑडिबल है मतलब इतना हर्ट कर सकते हैं तो मतलब 16 राइज एंड 16 फॉल थीटा रिलेटिव 2n पाई रहेगा कि 2n 2 पाई रहेगा
ओ नहीं, हम तो हमने बोला है कि भाई जो है जो बीट पीरियड को हमने डिफाइन कैसे किया कि एक राइज और एक फॉल ना, वन राइज इन इंटेंसिटी एंड वन फॉल इन इंटेंसिटी. तो भाई पहला, हाँ तो यहाँ से जो है एक राइज जो होगा पहले मिनिमम होगा ऑब्वियसली, फिर मैक्सिमम पे आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक एक राइज और फिर ये वाला वापस इस स्टेट से स्टेट आएगा, फिर एक फॉल. ओके सर, गॉट इट. और मतलब फिर ठीक है गाइस, फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं कि कुंस ट्यूब में जो है रॉड का फंडामेंटली होता है, अगर दिया नहीं है तो एक वहां पे अपने को इशू आ रहा था. चलो ठीक है, इन दैट 54th क्वेश्चन ऑफ एचसीवी, तो एक बार आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या कि 25 सेंटीमीटर पे क्लैंप करने का सिग्निफिकेंस क्या है, मेरे को क्लैरिटी नहीं आ रहा है. नहीं उसका नहीं, क्वेश्चन में तो गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था 25 और जो है हम फंडामेंटल मोड ले रहे हैं, तो ये वाला तो ठीक है, उन्होंने बोल लिया कि 25 सेंटीमीटर एक एंड पे क्लैंप किया, तो ये वाला 25 पे नोड आया क्योंकि सर वो वहां पे क्लैंप है, बेसिकली यही हुआ ना. यस हां, 25 पे. और सर कैलकुलेशंस तो नॉर्मली हुआ जैसे हम करते हैं, कैलकुलेशन नॉर्मली है. हां बस एक हमने एक्सेप्ट किया कि भाई ये फंडामेंटल में ही हो रहा है, तो अगर मान लो ये वाला आपका जो है ये वाला फिक्स्ड एंड और ये वाला ओपन एंड, तो यहाँ पे ठीक है ये वाला लैम्डा बाई फोर इज इक्वल टू, तो अज्यूम करना पड़ेगा ये वाला. हाँ तो ये हमने ले लिया है. ओके चलो ठीक है. ओके गाइस, देन फिर वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. हाँ फिर यहाँ से होमवर्क कहाँ तक आ गए गाइस, सर आप इसका नेक्स्ट पेज दिखा सकते हैं. यस यस, होमवर्क कहाँ तक हो रहा है, होमवर्क बुकलेट का कैसा है, हाउ इज द होमवर्क? इट्स फाइन. तब क्वेश्चंस आर टफ क्या उसके? नो सर, ठीक है. ओके ओके ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ बोला अटेम्प्ट करके रखो, फिर इसके बाद इसका होमवर्क जो है इसके बेसिस पे जो ये वाले हैं और रेजोनेंस ट्यूब और स्टैंडिंग वेव्स का भी होमवर्क देता हूँ. ये ना डन ना गाइस, कॉपी ना. यस सर. सर एक सेकंड, पेज टू दिखा देंगे, स्क्रीनशॉट लेना थोड़ा छूट गया था. पेज टू का ओके ओके हाँ, प्रीवियस वाला पेज टू. पेज टू सर. यस सर, थैंक यू. सो पेज सेवन पे जब हम लोग ने वो अजम्पशन लिया था कि फंडामेंटल लेना है, उसमें किसी ने सजेस्ट किया था ना कि 3n लूप्स ले सकते हैं राइट हैंड साइड पे, पेज 7 से. पेज 7 में हाँ n ले सकते हैं, लेकिन ना लेकिन आंसर इससे हो रहा है, इसलिए हम जो है और बुक में भी 340 में उन्होंने दिया है कि ना फंडामेंटल मोड. नहीं अगर आंसर अगर नहीं, वो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं था ना फंडामेंटल. हां स्पेसिफाइड नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड में n लूप्स लेके, लेकिन उन्होंने आई गेस 340 देखोगे तो पेज में उन्होंने लिखा ही है कि ये जो है 340 में दे आर सेइंग कि हां वो भी अजम्पशन ही है, वो भी अजम्पशन ही है फंडामेंटल का. हां करेक्ट. तो टोटल 4n लूप्स लेके एक लूप के लिए 25 सेंटीमीटर लग के उससे भी वही आंसर आ रहा है, n का टर्म आ जाएगा फिर. हाँ सर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में n, नहीं सर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 25 सेंटीमीटर है तो n लूप्स, और राइट हैंड साइड में 75 है इसलिए 3n लूप्स, तो टोटल लेंथ दिया है 1 मीटर. लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में एन लूप्स कैसे होगा यहाँ पर, यहाँ पे तो ने आपने हाँ हाँ नो नो ओके सो चलो ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं. बाय स्टूडेंट्स, बाय ऑल.